नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवी बॉक्स ऑफिस में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड न्यूज़ मूवी के स्टार कास्ट की फीस के बारे में, और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म का बजट कितना है और कितने स्क्रीनों पे इस फिल्म को लॉन्च करा जाएगा, और दोस्तों हम आपको बताएंगे इस फिल्म की स्टार कास्ट की सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बॉलीवुड और साउथ की बेहतरीन और दमदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस साल की मच वांटेड फिल्म गुड न्यूज़ के बारे में, तो दोस्तों यह फिल्म एक कॉमेडियन फिल्म है जिसको एक फैमिली के ऊपर बनाया गया है, पर अब हम इस फिल्म को फैमिली के साथ में बैठ के नहीं देख सकते। वहीं दोस्तों यह फिल्म एक काफी शानदार फिल्म होने वाली है क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के सॉन्ग्स भी सुपर डुपर हिट ही जाएंगे, और इस फिल्म को डायरेक्ट करा है राज मेहता ने। वहीं पर इस फिल्म को प्रोड्यूस करा है करण जौहर यानी कि दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन कंपनी ने। वहीं पर फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ रुपए और फिल्म को हमारे भारत भर में 3,500 स्क्रीनों पर लॉन्च करा जाएगा। इसी के साथ में अगर बड़े स्टार कास्ट की सैलरी की तरफ, तो दोस्तों हमारे पहले नंबर पे है कियारा आडवाणी, जो कि इससे पहले हमको कबीर सिंह फिल्म में काम करती हुई नजर आ चुकी है, और इस फिल्म के उन्होंने काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 2 करोड़ रुपए। वहीं पर अगर हमारे दूसरे नंबर की बात करें तो हमारे दूसरे नंबर पे है दिलजीत, जो कि काफी बड़े सिंगर है और काफी सारी फिल्मों के अंदर आपने इनका सॉन्ग सुनने के लिए मिल चुके होंगे। वहीं पे इस फिल्म के अंदर इन्होंने काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 4 करोड़ रुपए। वहीं पे दोस्तों हमारे तीसरे नंबर पे है करीना कपूर, और दोस्तों आप सभी को पता है कि करीना कपूर को हमारे बॉलीवुड में आए हो को काफी टाइम हो चुका है, पर दोस्तों काफी सालों से उन्होंने हमारे बॉलीवुड में एक भी फिल्म नहीं करी। इससे पहले वो हम सबके बीच में अक्षय कुमार सर की शानदार फिल्म गब्बर इस के अंदर काम कर चुके हैं। उसके बाद में अब दोस्तों वो काम कर रही हैं गुड न्यूज फिल्म में, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने उनकी फिल्म का काम करने का बजट रखा है लगभग 7 करोड़ रुपए। वहीं पर अगर हम बात करें चौथे नंबर की, तो दोस्तों हमारे चौथे नंबर पे हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्की भैया, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्की भैया ने इस फिल्म के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी डाला है, और इस फिल्म के अंदर काम करने के लिए चार्ज करा है लगभग 40 करोड़ रुपए, और अगर फिल्म प्रॉफिट में जाती है तो ये उस फिल्म का प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रखेंगे, यानी कि अक्षय कुमार सर ने इस फिल्म में कितना इन्वेस्ट करा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार सर ने इस फिल्म में काम करने के लिए कम चार्ज करा है या फिर ज्यादा, हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ में बॉलीवुड और साउथ की बेहतरीन और दमदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।